हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे ही नवंबर का महीना शुरू हुआ है, बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं। अगले 4-5 दिनों में 4-5 आईपीओज आ रहे हैं। आज मैं जिस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहा हूं, उसका आज सब्सक्रिप्शन का सेकंड डे था और कल आपका फाइनल डे है उसके अंदर सब्सक्राइब करने का। आईपीओ का नाम है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड। आइए चर्चा करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। DCX सिस्टम लिमिटेड इज अमंग द लीडिंग इंडियन प्लेयर्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम एंड केबल हार्नेसेस। द कंपनी कमेंस्ड ऑपरेशन इन 2011 एंड हैज बीन प्रेफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर फॉर फॉरन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जिसको हम OEMs बोलते हैं, फॉर एग्जीक्यूटिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। अगर शॉर्ट में बताऊं ना, तो ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। और आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि पिछले 2-3 महीनों में डिफेंस सेक्टर ने हमारे को कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। चाहे हम वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, चाहे भारत डायनेमिक्स की बात करें, चाहे भारत इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है अच्छा इन्होंने। और आने वाले टाइम पे भी डिफेंस सेक्टर हमेशा फेवरेट रहता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि भाई हमारी हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम कैसा है, तो अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने बाकी है। और हम आज की डेट में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज़ को, छोटी कंट्रीज़ को, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अभी पोटेंशियल है ग्रो करने का। और शेयर तो कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। आगे देखते हैं। एज ऑफ June 30, 2022, DCX सिस्टम हैज़ 26 कस्टमर इन इसराइल, द यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया एंड इंडिया, इंक्लूडिंग सर्टन फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड स्टार्टअप्स। द कंपनीज कस्टमर इंक्लूड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल OEMs, प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम डिफेंस, एरोस्पेस टू स्पेस वेंचर एंड रेलवेज। तो बहुत वास्ट फील्ड है, क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके। आगे बात करें, ये इशू आने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला है रीपेमेंट या प्री पेमेंट ऑफ बोरिंग्स। जो कंपनी की बोरिंग्स है उसकी रीपेमेंट करना चाहती है कंपनी, या प्री पेमेंट करना चाहती है, एडवांस में पेमेंट करना चाहती है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए आईपीओ आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन आर होली ओन्ड सब्सिडरी रेनियल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड टू फंड इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, थर्ड पॉइंट ये हो गया। और फोर्थ है जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस, जो कि हर एक आईपीओ के अंदर आपको देखने को मिलता है। अभी बात करें, आईपीओ खुला कब है। खुला है कल, जो कल बीत गया है, 31 अक्टूबर 2022 को खुला था। क्लोज होने जा रहा है 2 नवंबर, यानी कि कल 2022 को। अलॉटमेंट की डेट है 7 नवंबर की, रिफंड आएगा 9 नवंबर को। और अगर आप खुश नसीब हुए तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 10 नवंबर को नॉक नॉक करके पहुंच जाएंगे। और फाइनली लिस्टिंग की डेट, लिस्टिंग की बात करें तो ये 11 नवंबर 2022 को लिस्ट हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में। अगर फेस वैल्यू की बात करें, तो 2 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू है शेयर की। जो प्राइस बैंड है वो 197 से 207 का है। लॉट साइज है, जो एक लॉट है वो 72 शेयर का है। इशू साइज है 500 करोड़ का, छोटा सा इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल, यानी प्रमोटर जो अपने हिस्सा बेच रहे हैं, वो 100 करोड़ का बेच रहे हैं। इशू BSE और NSE पे लिस्ट होगा। इसमें जो QIB इसका कोटा है ना, वो 75% से कम नहीं है। NII इसका कोटा 15% से ज्यादा नहीं है, और रिटेलर्स का सिर्फ 10% कोटा है। तो 500 करोड़ का 10% कितना हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एप्लीकेशन की बात करें, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट लगा सकता है, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकता है। 1 लॉट में 72 शेयर आएंगे, और अगर 13 लॉट लगाते हैं तो 936 शेयर आएंगे। मिनिमम 1 लॉट के लिए 14,904 रुपीज ब्लॉक होंगे, और अगर 13 लॉट्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1,93,752 रुपीज ब्लॉक हो जाएंगे।
इसकी आईपीओ आने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग जो इस कंपनी में थी वो 98.20% थी, और आईपीओ आने के बाद जब वो डिल्यूट करेंगे अपनी होल्डिंग को तो 73.58% की होल्डिंग रह जाएगी प्रमोटर्स की। अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो पहले दिन यानी कल जो आईपीओ था ओवरऑल वो 2 गुना भर गया था, और आज की बात करें तो आज तकरीबन 4.25%, 4% नहीं 4.25 गुना ये आईपीओ भर गया है ओवरऑल। अगर उसके अंदर बाइफर्केट करें तो क्यूआईबीज में 0.04 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, एनआईआईज ने 5.11 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है, और रिटेलर्स ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसके अंदर, 17.04 टाइम्स इसको सब्सक्राइब करके ओवरऑल जो सब्सक्राइब किया है 4.34x किया है, एक्स मतलब टाइम्स किया है, मतलब अगर 100 की कैपेसिटी थी तो 400 लोग इसके अंदर अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ओवर सब्सक्राइब हो गया है। अभी कल का दिन बाकी है, कल के दिन देखते हैं, हो सकता है कि जो अभी क्यूआईबीज ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, हो सकता है कल के दिन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनकी देखने को मिले, और हो सकता है कि ना भी मिले क्योंकि अनलाइंड है ना, अगले 3-4 दिनों में 3-4 IPO आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 28 अक्टूबर को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा था वो आ रहा था 78 रुपये पर शेयर का, 78 रुपीज पर शेयर का, 29 को भी 78 का था, और 30 अक्टूबर को जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 78 से घटकर 71 हो गया था। कल के दिन जो आईपीओ खुला तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 71 से बढ़ के 74 हो गया, और आज ग्रे मार्केट प्रीमियम 82 रुपीज का हो गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर शेयर अपने भाव से 82 रुपीज ऊपर खुलता है तो तकरीबन 40% का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा आपको पहले ही दिन, लिस्टिंग के पहले ही दिन। बट कंडीशन ये है कि मार्केट इसका साथ दे, निफ्टी इसका साथ दे, तो फिर तो ये बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करेगा। अगर मार्केट गिर जाती है एक हफ्ते के दौरान, मार्केट गिर जाती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरेगा, और अगर मार्केट बढ़ेगी तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ेगा। मेरी तरफ से आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं खुद इसके अंदर सब्सक्राइब करने जा रहा हूं, बट आपको बाइंग की रिकमेंडेशन या सब्सक्रिप्शन की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिए, मैं तो जरूर करूंगा इसके अंदर सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंच सके, और आप अपने डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेल्प ले सके मेरी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक तो कर दीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ जाता है। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।